स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे चुनावी रणबेरी की। चुनावी रणबेरी में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और जिससे हम आम चुनाव कहते हैं उसको लेकर 2019, 2014 या इससे पहले के इलेक्शन की अगर हम बात करें तो एक नया सिलसिला चुनाव का, एक नई करवट, उसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। राजनीतिक दलों के सामने बहुत सारी इस बार चुनौतियां भी होंगी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दूसरी पार्टियां। मैं अभी डिबेट से थोड़ी देर पहले ही, कुछ दिन पहले तक पशुपति पारस जो रामलाल पासवान के भाई हैं वो कह रहे थे कि इससे बेहतर पार्टी नहीं हो सकती, गठबंधन हमारा, ये सब कुछ बातें चल रही। लेकिन जैसे चिराग पासवान को अब तवज्जो मिलना शुरू हुआ तो उनका विश्वास डगमगाने लग गया कि हमारे साथ धोखा हुआ। खैर एनीवे, ये सब चीजें अभी देखने को मिलेंगी क्योंकि कोई कुछ भी कहे, देशभक्ति, देश सेवा, हर पार्टी यही कहती है, लेकिन एक ही सर, एक ही बात होती है और निशाना मछली के तरह एक ही होता है कि मेवा, बस वो कैसे मिलना है। खैर चलिए, हमारे साथ 2024 का इलेक्शन किस तरह का रहेगा, पिछले चुनाव जो रहे उन चुनाव से अलग हटके रहेगा, क्या मुद्दे रहेंगे, कौन शब्दरप रहेंगे, तमाम पहलुओं को लेकर के हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचे। और हमारे साथ 3 वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, उनका पैनल है। ओम सैनी साहब हमारे साथ में हैं, प्रमोद श्रीवास्तव जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, तीनों ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। ओम जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। अब तक के जो इलेक्शन रहे हम स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि क्या मुद्दे एनडीए के रहेंगे, क्या इंडिया गठबंधन के रहेंगे और कौन शत्रप जो सीधी चुनौतियां देंगे, किस राज्य में कौन से रीजनल पार्टीज हैं वो अपना दमखम दिखाएंगे। तो ये 24 का इलेक्शन थोड़ा अलग हटके देख सकते हैं। हाँ, निश्चित रूप से योगेंद्र जी, ये बहुत अलग किस्म का इलेक्शन होगा और ये भारतीय इतिहास को एक नई दिशा देके जाएगा और इसमें बहुत कुछ उलटफेर होने की संभावना है क्योंकि पता है कि 2014 में जिस तरीके से मोदी जी इमर्ज हुए थे तो वो महानियंत्रक की जो रिपोर्ट थी और जिसमें कहा गया था कि बड़ा भ्रष्ट शासन रहा है यूपीए का, तो उसके बदलाव में मोदी जी का उदय हुआ और मोदी जी ने जो प्रोमिस किए और साथ साथ में जो काम किए उनको लेके नाराजगी और लगाव दोनों पैदा हुए। तो बीच बीच में ऐसा लगा कि बाद में कुछ ऐसा रंग बना कि जो दमित बहुसंख्यक उनके सपनों का रंग जैसे उन्होंने भर दिया और एक राष्ट्रवाद की एक नई धारा प्रभावित होती हुई नजर आई। तो उसके माध्यम से 2019 का इलेक्शन भी उन्होंने हासिल किया, लेकिन 2024 का जो इलेक्शन है वो बहुत अलग किस्म का है। ये सचमुच में ये सब जानकारी देगा जिसके बारे में शक था कि भ्रष्टाचार क्या होता है, तो भ्रष्टाचार का खुलासा भी, पैसा कहाँ से आता है, इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, इलेक्शन के मुद्दे क्या होते हैं। ये पहली बार लगा कि भारत का कोई युवा नेता जिस तरीके से राहुल गांधी ने मोहब्बत का दुकान नफरत के खिलाफ एक आधार बनाया कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी और फासिस्ट एटीट्यूड से अपने आप को बढ़ाने ले जाना चाहती है और सामान्य जन को इस तरीके से विरक्त करना चाहती है। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जिसके पास में कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की बिल्कुल जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज हैं वो नष्ट हो गई हैं और उनको वापस स्थापित करने के लिए जिस तरह की बात वो कर रहे हैं, पहले उन्होंने 4000 और उसके बाद में अभी तो न्याय के लिए 5 जो सिद्धांत उन्होंने बनाए जिनकी चर्चा कर रहे हैं उनको लेकर के लगता कि या तो कुछ ऐसा बदलाव होगा जो शायद कल्पना से बाहर है या कुछ ऐसे रिजल्ट आएंगे जो भी कल्पना से बाहर। लेकिन ओम जी, आपको लगता है कि एक दौर अलग तरह का है। राहुल गांधी बेशक बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये कुछ युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, जो भी बातें कह रहे हों कि जुमलेबाजी की बात कही जा रही, लेकिन आपको लगता है कि वो चाहे पहले वाली जो उनकी यात्रा रही बहुत इफेक्टिव रही, सरकार बनी नहीं बनी जिन राज्यों में बात एक इश्यू अलग है, लेकिन उसका एक प्रभाव मीडिया की नजर से देखा गया। इस यात्रा को कोई बहुत इफेक्टिव नहीं मान रहे थे और बहुत सारे लोगों ने इस बात को, चाहे ब्लॉगर्स हों, चाहे आर्टिकल्स लिखे, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का समय का चयन बहुत गलत था, उन्हें इस समय यात्रा नहीं निकालनी चाहिए थी क्योंकि ज्यादा जरूरत तो भारत जोड़ने से कांग्रेस को जोड़ने की थी, वो जोड़ ही नहीं पा रहे, एक एक राज्य में लोग छोड़ के जा रहे थे। यहाँ एक धरातल के कांग्रेस के नेता की बात करिए, देखिए एक एक विकेट गिरता है, पार्टी टीम कितनी मजबूत हो, लेकिन उनका मनोबल टूटता है। वो एक प्रेशर में आती है टीम, क्या हो रहा है, एक एक चले गया, मुझे लड़ना है। ये वो स्थिति कांग्रेस के कार्यकर्ता के सामने बनती जा रही है। योगेंद्र जी, ये स्थापित परिभाषाएं, स्थापित जुमले, स्थापित स्थापनाएं हैं। ये बदलने वाली स्थापनाओं का सिलसिला है जो राहुल गांधी के माध्यम से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें जनमानस जुड़ता है, जनमानस तय करता है कि किसको हमें वोट करना है, किसको हमें नहीं करना है। इसमें कैडर बेस नहीं चलता, इसमें क्या कहते हैं पर्चे वाला सिलसिला नहीं चलता, ब्लॉक लेवल की वो नहीं चलता, स्वतः ही कुछ होता है। ये हमने देखा है सन 77 में, देखा है सन 80 में, ये देखा है सन उसके बाद वाले 89 में। तो ये सब चीजें उसी तरीके का माहौल है जिस तरीके से आप सारी चीजें एसबीआई को जिस तरीके फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट में, जो जिस तरीके से इनके खाते सीज हुए हैं, कांग्रेस को जिस तरीके से नियथा करने की चेष्टा हुई, ये सब लोगों के सामने है। देखिए, मीडिया की बात मत कीजिए, मीडिया जिस तरीके से अपने आप को एक तरफा करके चल रहा है, प्रिंट का हो चाहे ये इलेक्ट्रॉनिक का हो, बहुत कम आप जैसे चैनल बचे हैं जो बात करने के लिए बुलाते हैं और कहते हैं कि आप बताइए क्या हो रहा है। हकीकत यह है कि जो सच है वो सामने आ ही नहीं रहा। ये गलत धारणाएं हैं, जो बदलती हुई परिभाषाएं, जो स्थापनाएं हैं, उनके बारे में चर्चा ही नहीं हो रही। उनकी चर्चा मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास, मैं प्रमोद जी आपके पास में आना चाहूंगा। देखिये, ये इलेक्शन, हर इलेक्शन में कुछ न कुछ नया अंदाज होता है। अब थोड़ा सा देखिए कि बीजेपी की जो रणनीति है, अगर सिद्धांतों की, नैतिकता की बात करें, मुझे नहीं लगता किसी पार्टी के पास में कोई भी आइडियोलॉजी बची है, कोई पार्टी नहीं है। और कांग्रेस जो भी वार करती है उसी को ही बीजेपी अपनी रणनीति के तहत स्वीकार करते है, उस पर वापस से रिएक्ट करती है। अब चाहे वो परिवार की बात कह दी, वो भी ने चाय वाले की बात कही हो, राहुल गांधी ने चौकीदार चोर की बात कही हो, हर फेज में कोई ना कोई नई बात आई है और बीजेपी ने उसे भुनाया है। अब आप ये देखिए, परिवार वाली बात लालू यादव ने वहां से, बिहार से शुरू की और इसी को भुना करके मोदी का परिवार पूरे देश भर में एक कैंपेन शुरू कर दिया। तो ये चुनाव, ठीक है, हार जीत का तो होगा ही, लेकिन वाकई ये कड़वा सच है कि जैसे भी स्थिति है, कांग्रेस को या विपक्ष की दूसरी पार्टियों को छोड़ करके उनके अपने लोग जा रहे हैं। ये विपक्ष के सामने बड़ी चुनौती होगी कि अपने आप को बचाने की भी, ये माना जा सकता है। नहीं, देखो योगेंद्र जी, चुनाव होता है और चुनाव परिणाम आने से पहले हम ये किसी का भी नहीं अनुमान लगा सकते कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन बिल्कुल नहीं लगा, लेकिन जनता से जो बात निकल के आ जाती है उसमें थोड़ी स्थिति स्पष्ट जरूर हो जाती है कि भाई ये इसका पलड़ा भारी हो सकता है, इसका हल्का हो सकता है। इसमें कोई दोहराए नहीं कि कांग्रेस भी इस बार अच्छी मेहनत कर रही है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का तो अपना एजेंडा जो है वो है ही। लेकिन ये मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा, नई चीज कि कोई नया मुद्दा आ रहा हो, वही पुरानी बोतल में नई शराब जी डल रही है, वही मुद्दे हैं, वही सारा है। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड की हम बात करें तो 89 करोड़ कितना उनके कांग्रेस का भी है, इनका भी है, नहीं सारी। लेकिन इसमें एक चीज जो ये मुद्दे हैं इसमें थोड़ा ये भ्रष्टाचार का बदल सकता है, पर जनता में ये जो इलेक्ट्रो बॉन्ड का मुद्दा इतना हावी नहीं हो पाया, कांग्रेस भी शायद इसको इतनी निश्चित रूप से नहीं उठा पाई। बाकी तो वही मुद्दे आ रहे हैं कि हमने 370 हटाई, हमने राम मंदिर बनवाया, हमने ये मुस्लिमों का जो किया, जो मुद्दे वो सारे हैं। और जैसा देश वैसा भेष वाली बात मोदी जी करते हैं राजस्थान में। लेकिन प्रमोद जी अभी ओम जी ने एक बात कही कि देखिये मुद्दे बहुत सारे हैं, विपक्ष भी उठाता है, लेकिन बात यह है कि उसे मीडिया कितनी जगह देती है। देखिए, मीडिया जो परोसता है वो पब्लिक के जहन में उतरना शुरू हो जाता है। आप बार बार अगर एक ही बात देखेंगे कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड को खारिज करने के लिए राम मंदिर, 370 मूवीज, अगर केरल स्टोरी, ये तमाम चीजें जब आएंगी सामने और उसी के आर्टिकल छपेंगे, तो जो अभी ओम जी का कहना था कि जब जगह ही नहीं देगी पब्लिक के, आज भी हमारे भारत में लोग भावनाओं से, मुद्दों पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड कितने लोग चर्चा कर रहे हैं और उनका वोट प्रतिशत क्या रहेगा। नहीं, मैं आपको बताऊं, जो इलेक्ट्रो बॉन्ड का मुद्दा है वो भी ऐसी बात नहीं, आज आप पेपर उठाएं, इंग्लिश के पेपर उठाएं और लगाएं, लेकिन अभी धीरे धीरे मुद्दा जो उठाए ना, ये तो अपनी उसका है। आप जैसे मान लो हर आदमी, हर पेपर का, हर उसका, अब राम मुद्दे जब चुनाव आया है तो राम मंदिर भी तो बीजेपी तो बोलेगी, जो निश्चित रूप से अपना जिसने काम किया है, अगर वो चुनाव में नहीं बोलेंगे तो चुनाव के बाद तो बोलेंगे नहीं सर, नहीं तो निश्चित रूप से। लेकिन मोदी जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अब इस चुनाव में ऐसा आ रहा है कि जैसा देश वैसा भेष वाली कहावत जो है कि राजस्थान गए तो उदयपुर का टेलर उठा दिया, काट दो, है ना। साउथ में गए तो वहां का उठ गया, बिहार गए वहां के अलग मुद्दे हैं। अब यहाँ ये तो छोट दो लाइन में तो ये बोल देंगे कि हमने राष्ट्रीय स्तर पर ये किया, लेकिन आप ये गौर करें मोदी जी के भाषण में आज भी साउथ की जो भी रैलियां जो देख रहे हैं तो वो उनका 75% जो भाषण है वो उस क्षेत्र पर वो स्थानीय मुद्दों पर विपक्ष की कैसे नब्ज को पकड़ा जा सकता है। हाँ, केरल का जो अभी आप देखें उसमें उन्होंने 80% उस पर ही घुमा दिया। सिर्फ एक लाइन में उन्होंने कहा कि हमने देश में किया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पहचान बनाई। वो जो छोटी मोटी फॉर्मेलिटी पूरी करके फिर लो उस पर केरल का ये नहीं हुआ, केरल का वो नहीं हुआ, केरल में राहुल, क्योंकि केरल में राहुल गांधी पॉइंट तो। और अगर आप अभी थोड़ा दिन पहले और जगह गए वहां के, अब राजस्थान में आप निश्चित रूप से देख लेना कि निश्चित रूप से एक बार फिर उनको याद आएगा टेलर उदयपुर वाला। तो जो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अब चुनाव की जो पैटर्न है वो भी अब ये नहीं कि लोकसभा चुनाव है तो राष्ट्रीय मुद्दों पर ही चल रहा है, हो रहा है, नहीं। अब इसमें थोड़ा सा मुझे बदलाव सा नजर आ रहा है भाषण में भी, मुद्दों में भी, कि 2-4 लाइन अपनी केंद्र की बोल दी, बाकी वहां की बोलो कि जैसा देश वैसा भेष, ताकि वहां की जनता को वो छुए, उनकी नब्ज को पहचान कर करे। अब इलेक्ट्रिक बॉन्ड का थोड़ा ऐसा मुद्दा है जिसमें आप बुरा मानने की वो नहीं है किसी मतदाता को, इसमें बहुत से लोग तो ये समझ ही नहीं पाएंगे इलेक्ट्रिक बॉन्ड क्या है। और फिर मान लो ये कह दे भाई चंदा हमने लिया तो इनने भी तो लिया, 17 और 18 के बाद आया। हालांकि राहुल गांधी ने बहुत 19 में ये बात कह दी थी, ये इलेक्ट्रिक बॉन्ड का ये फ्रॉड है। आपने उसके उनका ट्वीट भी देख सकते हैं, वो अब शायद चल भी रहा है, वायरल भी, जब भी कह दी थी। तो ये फ्रॉड है जो भी है। और आप ये इसको देखें कि पाकिस्तान की कंपनी से भी इनको चंदा आया है, ये भी अभी मैं देख रहा है ना। तो ये तो अगर जाए इसकी गहराई में, और अभी मुझको बता रहा था, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता कि जो बीफ बेचने वाली कंपनियां हैं वो भी 4 कंपनियां बताई जिसे चंदा है। अब ये बताइए आप, तो ये पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ, पर कोई बता रहा था, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति। तो ये चीज है, तो मुद्दा बड़ा, लेकिन मुझको नहीं लगता ये मुद्दा कोई जनता में ज्यादा प्रभाव छोड़ पाएगा, क्योंकि बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जनता के बीच में स्थानीय मुद्दे ज्यादा कारगर रहेंगे। अगर बिहार में है तो बिहार का अपना मुद्दा होगा, राजस्थान है राजस्थान का अपना मुद्दा होगा, और यही मुद्दे जो हैं वो उनकी अपनी एक रणनीति भी बनती है। पहले राष्ट्रीय मुद्दों का एक बड़ा आधार बनाया जाता था, लेकिन अब वो सब नहीं है। जहां जैसी स्थिति है वहां पे उसी तरह से, क्योंकि वहां की लोकल जो फोर्स है यानी कि कार्यकर्ताओं की फौज है, उसे उसी तरह से तैयार भी किया गया है कि आपको ये सब कुछ कहना है। और देखा अगर यूं बात करें तो बीजेपी के एजेंडे में रहे 370 हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, ये कोई हिडन एजेंडा भी नहीं है, क्योंकि उसको भुनाने की कोशिश करेंगे। लालकृष्ण आडवाणी ने जब रथ यात्रा निकाली थी, लालू यादव ने सासाराम में उन्हें गिरफ्तार किया था, तो ये जो चीजें हैं ये मुझे लगता है कि कहेंगे कि हम तो वर्षों से यही बात कहते आ रहे थे, और अगर नहीं करते तो विपक्ष ये पूछता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे और लोगों को गुमराह करते रहेंगे, ये बीजेपी के लिए अक्सर कहा जाता था। तो इस चुनाव में ये बात रहेगी। खैर चलिए इस चुनाव में लेकिन कुछ चीजें भी दिखाई देंगी, मुझे लगता है कि जैसे मुलायम सिंह यादव की कमी रहेगी, शरद यादव की कमी रहेगी इन चुनाव में। कुछ ऐसे सियासी शत्रप रहे हैं जो समाजवादी सोच के, उनकी अपनी कमी रहेगी। और अगर एक्टिवली पार्टिसिपेंट की बात करें तो कुछ खामियाजा या नुकसान जैसे बीजेपी के नेताओं का भी रहा है, बहुत सारे ऐसे वो रहेंगे कि जो इस चुनाव में दिखाई नहीं देंगे। तो शाम जी आपके पास मैं आना चाहूंगा, अगर बात मुद्दों के ऊपर ही जाना चाहिए हम, तो मुद्दे दोनों तरफ से, अगर बीजेपी की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही माना जा सकता है कि मोदी की गारंटी। कांग्रेस जवाब दे रही है कि गारंटी तो हमारी थी, ये तो इन्होंने चुराया है। दूसरी तरफ ये कहा जा सकता है कि देश में इतने साल में कुछ नहीं हुआ है, जो अभी एक नए युग का सूत्रपात किया है वो नरेंद्र मोदी ने किया है। तो बीजेपी के नाम की बजाय, जैसे पिछले इलेक्शन का आपको ध्यान होगा, हम दोनों कवर साथ ही करने गए थे, तो उस वक्त एक बात नरेंद्र मोदी कहा करते थे कैंपेन के दरमियान कि आप जो वोट डालेंगे वो सीधा मोदी के पास आएगा। तो अभी भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसके लिए कांग्रेस हो या जो विपक्षी दलों, जिन्हें रणनीति बनानी होगी, ऐसा लगता है आपको? योगेंद्र जी, अभी चुनाव आयोग शनिवार को ऐलान करेगा, 6 6 चरणों में होंगे, 7 चरणों में चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद मोदी जी फील्ड में अब आएंगे चुनाव लड़ने के लिए। अब वो किस प्रकार के, देखिए वो 370 की बात करेंगे, राम जी की बात करेंगे और मोदी की गारंटी की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक बॉन्ड का जिस प्रकार का मसला निकल के सामने आया है, लेकिन वो इतना होच पोच हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट को जिस प्रकार से करना चाहिए था, पता नहीं क्यों उसको कंटेम नहीं माना। और अभी जो एक बार ये तो है कि ये तो दिखा दिया कि भाई जनता तो सभी लेते हैं, अब जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसको ज्यादा मिलता है, वो निश्चित रूप से माना जाना चाहिए। जैसे कलकत्ता में हम है ना, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चंदा मिला है तो उन्हीं को मिला है, तो ये बात सही जिस प्रकार। लेकिन इस बार का चुनाव आप देखिएगा तैयारी के साथ, पहले जैसे कि आप गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो जोश खरोश के साथ आया था बाहर, वो टूट गया। वो जिस तरह की स्थितियां बनी थी, वो गठबंधन अभी भी जिस तरह से कह रहे थे कि भाई हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे, इसलिए मोदी जी फिर से कहने लगे कि तीसरी बार हम अब 400 पार। वो तो कहेंगे 400 पार, लेकिन 400 पार मुझे तो लगता नहीं कि 400 पार हो पाएगा। जिस प्रकार से देखिए सिनेरियो चेंज हो रहा है, हरियाणा में बदलाव करना पड़ गया और बहुत सारी जगह आप देखिए अभी कैंडिडेट, बीजेपी वाले कैंडिडेट कांग्रेस वालों को ढूंढ रहे हैं कि जीतने वाला हमारा कैंडिडेट होना चाहिए। अब हम तो राजस्थान की बात करें, जिस तरह से आप देखिएगा कि महेंद्रजीत मालवीय को अगर इनको डूंगरपुर और बांसवाड़ा में उतारना पड़ रहा है, तो स्थिति मजबूत होती तो फिर क्यों करना पड़ता। आप देखिएगा फिर वो कह रहे हैं कि मानवेंद्र को लेके आओ तो हम राजसमंद का चुनाव लड़ाने के लिए बात करेंगे, या जिस प्रकार से बातचीत हो रही है अभी करण सिंह यादव और ये बहुत सारे लोग जो कि हैं नाराज लोगों को लाने के, और लालचंद कटारिया को लेके आ गए, या फिर देखिए जिस प्रकार से मैं देख रहा था पूरी। श्याम जी मैं राजस्थान थोड़ा बाहर, क्योंकि ओवरऑल अगर हम इलेक्शन की बात पे हम जाना चाहें तो जैसे प्रमोद जी ने भी कहा, ओम जी ने भी कहा, तो मैं उसके इर्द गिर्द, क्योंकि एक एक बार मैं राउंड और लेना चाहता हूं, समय थोड़ा कम है। तो ये बात आप कह रहे हैं कि बीजेपी एक रणनीति अपना रही है कि कांग्रेस के या विपक्षी दलों के जीतने वाले शत्रु कौन है, क्यों ना अपनी तरफ ले लिया जाए, ये कहना चाह रहे हैं। बहुत सारे लेके आ गए, आ ही गए नहीं आपने देखिए, लेकिन इसका इम्पैक्ट आएगा कि जिस पार्टी में जो लोग जा रहे हैं दल बदल करके, उनके अपने कार्यकर्ता हैं, उनपे कुछ फर्क पड़ेगा इसका, क्योंकि वो कार्यकर्ता तो उनके समर्पित होकर ही चला ही जाएगा ना कुछ। तो वो तो कह रहे हैं कि उनका कार्यकर्ता और हमारा कार्यकर्ता मिलकर के हम चुनाव जीत लेंगे, तो इसका मतलब पहले ऐसा बहुत सारा होता तो था, लेकिन इस पैमाने पर नहीं होता था कि लेके आ जाओ, ढूंढ के लाओ किधर से भी, हमको चुनाव जीतना है। और क्योंकि तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं मोदी जी, पहली बार तो चुनाव लड़ नहीं ले, पहले तो बहुत सारी चीजें कहोगे तो विश्वास कर लेगा, अब जो वोटर है आपका विश्वास नहीं करेगा, अब तो परखेगा कि आपने क्या कुछ किया और हम क्यों आपको वोट देते। तो ये सब चीजें हैं, आपको फील्ड में बहुत सारी चीजें देखने को मिली। अब मोदी परिवार हो गया, भाजपा परिवार समाप्त हो गया, अब ये मोदी जी के नाम पर पूरा देश चुनाव लड़ेगा, भाजपा के नाम पर चुनाव नहीं लड़ेगा। तो आप देखिएगा स्थितियां बदलाव की हो रही है, 370 हटा करके राम मंदिर बना करके अब क्या करके वापस से सत्ता में आने की प्रबल संभावना, और जिस प्रकार से चुनाव आयोग में नए लोगों को लाना और फिर उसके ऊपर सवाल उठना, बहुत ऐसी अभी भी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके चर्चा का विषय बनी हुई। ओम जी आपके पास में आना चाहूंगा, चलिए मैं बहुत शॉर्ट में चाहूंगा आप तीनों से एक बार में, इलेक्शन की डेट का अनाउंस हो जाएगा, चलिए जो भी को ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जितने भी चरण होंगे वो भी एक अलग बात है, लेकिन अलग हटके मैं इस वजह से कहना चाह रहा हूं कि जो मुद्दे पब्लिक के बीच में जैसे पहले हुआ करते थे और इलेक्शन को लोग एंजॉय भी करते थे, मैंने ये भी देखा है कि लोग मिट्टी भी फेंकते थे कैंडिडेट्स के ऊपर, नेताओं के ऊपर भी मैंने फेंकते हुए देखी है। अलवर की बात बताता हूं आपको, आज पुलिस वाले लगा दिए जाते हैं कि काले झंडे को लेके नहीं जा रहा है, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट्स में भी वो ये देखते हैं कि काली टी शर्ट तो नहीं पहन रही हो, चाहे बनियान में उसे जाना पड़े सभा के अंदर तो उसको खुलवा देते हैं। ये कि राजनीतिक दलों में एक डर पैदा हुआ है कि क्योंकि हमारे यहाँ विरोध करना, धरने प्रदर्शन, नारेबाजी, ये तो मुझे लगता है कि एक लोकतंत्र का हिस्सा रहा है, एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है लोकतंत्र का, इसमें कोई शक नहीं। और एक बात ये समझिए आप, इसलिए मैं कहता हूँ इंडिया गठबंधन और एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो बना हुआ है उसमें यही फर्क है। इंडिया गठबंधन अपने आप को जनमानस के साथ में जोड़ रहा है और उसमें ये छत्रपों की चिंता नहीं कर रहा कि ममता जी क्या करेंगी, अखिलेश क्या करेंगे, तेजस्वी क्या करेंगे। जनता बाध्य कर रही है कि आप जुड़िए उनके साथ में और जो प्रोग्राम दे रहे हैं उसके मुताबिक लोगों को आगे बढ़ाने का सिलसिला कर रहे हैं। इधर इस तरफ मोदी जी अपना कार्यक्रम बता रहे हैं, मोदी जी अपनी बात कह रहे हैं और उनके साथ साथ में जो मोदी जी कह रहे हैं वो उनके बाकी अनुयायी बोल रहे हैं। तो इस तरह का ये एक इलेक्शन, ये अलग किस्म का इलेक्शन है। इसमें कह रहा हूँ कि स्थापनाएं बदलेंगी, मानसिकताएं बदलेंगी। ये जो आपने ट्रेडिशनल तरीके से देखा कि इस तरीके से वो ये इधर आ जाएंगे तो ये जीत जाएंगे, उधर चले जाएंगे तो वो हार जाएंगे, इनसे कुछ नहीं होता। जैसे जो लोग दल बदल कर रहे थे कि गुलाम नबी आजाद और ये सब कहाँ है आज, उन सब का हवा में उड़ गए वो लोग। तो पार्टी समझ में आ रही है, अब समझ में ये आ रहा है कि इंडिया गठबंधन है और जिसका नेतृत्व तो खड़गे के साथ साथ में राहुल गांधी उसका एक वाहक बने हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान में वो घूम रहे हैं। उसी तरीके से एनडीए का जो गठबंधन है उसको मोदी जी और अमित शाह लेकर के पूरे मुल्क में घूम रहे हैं, अपनी तरीके से स्थापित कर रहे हैं, अपनी तरीके से आरोप लग रहे हैं उनपे और आरोपों का जवाब दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ये सब चीजें बिल्कुल जनमानस के बीच में है ये। लेकिन साथ साथ में मैं आपको इसकी बात के लिए तारीफ करना चाहता हूँ कि जब आज की तारीख में जो चैनल्स और जो प्रिंट मीडिया वो इस तरह की बातें नहीं करता, वो इधर जुड़ जाता है उधर जुड़ जाता है। हम किसी तरफ नहीं जुड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये दोनों चीजें चल रही हैं, इनमें मुकाबला होने जा रहा है और सामने पता लगेगा कि किसका नतीजा किसके साथ में जाएगा। हमने वस्तु स्थिति बताई है कि इंडिया गठबंधन क्या कर रहा है और एनडीए गठबंधन क्या कर रहा है। एक का नेतृत्व तो मोदी जी कर रहे हैं। मैं समय कम एक बार प्रमोद जी के पास जाना चाहूंगा। प्रमोद जी, ये भी चर्चा है कि कुछ जगह पे विधानसभा के चुनाव भी कराए जा सकते हैं जैसे ड्यू है, सबसे बड़ी निकाय टिकी है, क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, लगता है आपको? हाँ, नहीं चुनाव का तो देखो विधानसभा, एक तो जो चुनाव होने हैं उनकी भी सुना है कि वो आ रही है पूरी सूची, और जम्मू कश्मीर का तो नहीं लग रहा कि इन्होंने मीटिंग तो वहां जाके की, लेकिन है ना निश्चित रूप से वो तो शायद हो सकता है। अब उसमें तो ये कोई बड़ी वो नहीं कि चुनाव साथ हो तो जो भी हवा में निकल आएंगे, ऐसी कोई वो नहीं। बल्कि कहा इसमें तो जैसे मैं ये बता रहा हूँ चुनाव का कि अगर ये जो राहुल गांधी इंडिया गठबंधन और ये करते पार्टी घूम रहे हैं, अगर ये अपने ही नेताओं को रोक लें, उनसे ही गठबंधन कर लें अच्छा, और जो छोड़ गए वो नहीं जाते तो इनसे तो भारी पड़ते हो। अगर आप देखो जैसे मान लो ये कहा है सिंधिया जी का बेटा हो या गुलाम नबी जी आजाद, इनके जाने से तो कांग्रेस धस गई, यही तो लपड़ा हुआ। ये बोलते थे, ये मुखर होते थे, इनकी और पार्टियों की जरूरत ही नहीं। वो कहते कांग्रेस एक है, कांग्रेस लड़ेगी और ये नेताओं को भगदड़ जो मस्ती है ना इसको रोक ले, बस तो जरूरत ही नहीं है दूसरे पार्टियों की। इसका असर क्या होता है अगर जैसे भगदड़ की आप जिक्र कर रहे हैं, मैं 30 सेकंड में चाहूंगा इसका असर क्या होता है, कार्यकर्ता का मनोबल पर असर पड़ता है या फिर पार्टी पर असर, क्या असर पड़ेगा? देखो 25% वोट माहौल के माने जाते हैं, एक सर्वे में भी आ जाता है निश्चित रूप से। अगर मान लो कोई किसी पार्टी, आप जैसे अलवर में भगदड़ मची हुई है, उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे जिला प्रमुख जा रहे हैं, करण सिंह यादव जा रहे हैं, 2 प्रधान है ये है, अब इसका माहौल तो खराब होता है ना, इससे कार्यकर्ता को मन में जाता है इनका तो यार कांग्रेस ही छोड़ के भाग रहे हैं, कहाँ ये जीत पाएगा, और वो यादव ही है दूसरा। प्रमोद जी मैं रोकना चाहूंगा सर, प्रमोद जी रोकना चाहूंगा, श्याम जी आपसे 30 सेकंड में चाहूंगा भी, जो प्रमोद जी कह रहे हैं कि भगदड़ मस्ती है उसका माहौल पे असर पड़ता है, तो क्या लगता है कि बीजेपी की एक रणनीति का हिस्सा है? मैं अक्सर देखता हूं कि जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहां टूट फूट मस्ती है, इलेक्शन के दौरान लोग छोड़ करके बीजेपी का दामन थामते हैं, कुछ जगह पे लोग ज्यादा संतुष्ट नहीं होते दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं, तो ऐसे में जनमानस पे कुछ असर पड़ता है? मैं बहुत ही शॉर्ट में चाहूंगा क्योंकि देखिए योगेंद्र जी का माहौल इलेक्शन में इस बार देखने को मिल रहा है, पहले इलेक्शन में ऐसा नहीं देखते थे। पहले आप अपना अपनी पार्टी के अपने अपने लोग किस प्रकार से तैयारी करते थे, वो तैयारियों की कमी हो गई है, इवेंट मैनेजमेंट ज्यादा हो गया। आप चुनाव पार्टी कार्यकर्ताओं की वजह इवेंट मैनेजमेंट से चुनाव लड़ने की तैयारी ज्यादा हो रही है, कितना महंगा चुनाव हो गया आपने देखा। जी चले, मैं श्याम जी मैं माफी चाहूंगा, समय का थोड़ा सा अभाव है, खैर चले रणबेरी में ज्यादा अंतर नहीं, अब वक्त नहीं है और इस चुनाव का एंजॉय करिए, और अभी एक ही अपील सब लोग करते रहेंगे कि मतदान जरूर करें क्योंकि लोकतंत्र की ताकत होती है वो, और किसके पाले में कौन सी डेट आती है ये भी एक देखने वाली बात होगी, जब अनाउंस होगा तो फिर हम चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।